का ये जो मैटिंग करना चल रहा है किस लेवल पे चल रहा है और आज यहाँ क्या खास प्रोग्राम था लाइट चौराहे पर? लाइट चौराहे पर तो ये स्कूल की वजह से कार्यक्रम था, सफा मॉडल मॉडल स्कूल की तरफ से कार्यक्रम था। इसमें ये कई चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है MR के बारे में, मीजल्स और रूबेला वैक्सीन के बारे में, कि इसमें 9 महीने से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों को टीकाकरण होना है। इसमें 2 बीमारियों से बचाव होना है, मीजल्स मतलब खसरा और रूबेला। तो मीजल्स जो बीमारी है वो बीमारी बहुत ही हाईली कंटेजियस है, बहुत ही इन्फेक्शस बीमारी है और खांसने से चीज जो है फैलती है। इससे निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है और ब्रेन में समस्या हो सकती है। इसकी वजह से जब शुरुआत में होती तो हाई फीवर आता है, चकत्ते चेहरे पर पड़ते हैं और इसके अलावा खांसी और आँखें लाल होना ये सिम्टम्स होते हैं। और जो आप जो रूबेला है, जब रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो जो पहला अगर गर्भवती माता को हो जाए और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन उसका हो तो CRS एक सिंड्रोम होता है, जो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जो बच्चा पैदा होगा, पहली बात तो वो अबॉर्शन हो जाते हैं, नंबर दूसरी बात है बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, पहले बच्चा पैदा हो सकता है, और या फिर अगर दूरगामी परिणाम जो होते हैं तो ग्लूकोमा हो सकता है बच्चे को जो पैदा होगा, उसे मोतियाबिंद हो सकता है, उसको मतलब माइक्रोकेफेली हो सकती है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हो सकता है, उसे बहरापन हो सकता है। तो इतनी भयंकर बीमारियों से बचाव का केवल उपाय ये है कि मीजल्स और रूबेला का जो वैक्सीन है MR वैक्सीन कैंपेन, इस कैंपेन में जो बच्चा लगवा लेगा उसको ये बीमारियां नहीं होंगी, एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाएगा। तो इसमें ये हमारा सबका दायित्व है जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, केवल स्कूल ही नहीं, हम मीडिया से भी इस बात की पुरजोर करते हैं। जैसे 7,64,000 बच्चों को झांसी में ये टीकाकरण होना है, ऐसे आप जालौन में भी होना है, ललितपुर में भी होना है। तो जो बच्चा 9 महीने से लेकर 15 साल के बीच का हो उसको सबको MR का कैंपेन, MR टीका लगना ही चाहिए। लगने की वजह से बहुत सारी बीमारियों से कम बहुत सारे बच्चे उसके जागरूकता के लिए हम जगह जगह अपने राज्य पेपर में भी एड दिए गए हैं और जगह जगह गोष्ठी कराई गई है, जगह जगह हमारे के स्टाफ जाके संपर्क कर रहे हैं, आशा और आंगनबाड़ी सब जगह संपर्क कर रहे हैं और इसका पहले प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा करने का प्रयास किया गया है। और आज भी उसी संदर्भ में जो रैलियाँ निकाली गई तो इसमें और भी काम, इसमें ट्रैफिक के बारे में बच्चों को बताई गई है, इसके ट्रैफिक रूल्स के बारे में, इसके बारे में आप प्लास्टिक की जो वो इस्तेमाल करते हैं पन्नी वो इस्तेमाल ना कर उसके बारे में बताएंगे, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग ना हो दुरुपयोग ना उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे कहने के मतलब ये कि मेन काम हमारा यहाँ पर है कि हम आपको बताएं कि MR कैंपेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मीजल्स रूबेला का जो टीका है वो 9 महीने से लेकर 15 साल के बच्चे के बीच की जो उम्र है उसमें हर एक को लगना चाहिए। अब ये तो लगभग 38% था, परसों तक रिजल्ट था जो हमारे 38% हो गया था, लेकिन और भी बच्चों को लग रहा है।